अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर में पार्लर वाली ब्लीच बनाना सिखाऊंगी कि आप घर में पार्लर वाली ब्लीच कैसे बना सकते हैं। ये आप एक दफ़ा ले लेंगे ब्लीच पीच या जो भी आपको सूट करती है आपकी स्किन के लिए, आपने ये लेने और विटामिन ई के कैप्सूल लेने जौन से भी आपके पास हैं। मेरे पास विटामिन ई के भी हैं, इवोन के भी हैं, और ये एक लिक्विड फॉर्म में भी, ये लिक्विड फॉर्म में हों और ये जो है ये पाउडर फॉर्म में है। तो मैं चले व्यूअर्स में आपको बनाना सिखा दूँगी और छोटा सा डेमो भी दूंगी। आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ब्लीच घर में तैयार होती है। जो ब्लीच आप बाय 300, 500 या 400 देते हैं वो ब्लीच आप घर में तैयार कर सकते हैं इजी। तो इसके लिए इतनी कोई आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी। ये बस दो चीज़ें हैं, ब्लीच क्रीम है और उसके साथ आपको कैप्सूल। सिर्फ उनका बनाने का तरीका और होना चाहिए और जिसके आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये हैंड के लिए बनानी है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग इस तरह ले लेनी है कि आपने अपने हैंड के लिए बनानी है, ठीक है। और ये मैंने हाफ चम्मच लिए अपने हैंड के लिए और इसके ऊपर मैंने ये, अगर आपको मेजरमेंट का नहीं अंदाज़ हो सकता तो फिर आप इसमें ये एक ढक्कन डाल सकते हैं, ठीक है। हाफ चम्मच में ये एक ढक्कन डालना है। याद रखिएगा हमेशा पाँव और हाथों की ब्लीच में फ़र्क ये होता है कि पाँव और हाथों की ब्लीच जो होती है उसमें पाउडर ज़्यादा पड़ता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और चेहरे पे मेशा पाउडर आपने इसका हाफ ढकना लेना है, ठीक है। आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक ये बहुत ही न्यू चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये है तो पुरानी है पर ये कि ये इसके बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने वैसे ये देखें, ये न्यू आई है और ज़बरदस्त। ये लिक्विड उसमें है, पाउडर फॉर्म में है। तो ये एक हमने ये भर के डाल दिया और उसके बाद हमने इसमें एक विटामिन ई का वाइटनिंग का कैप्सूल डाल दिया। ये देखेंगे अब ये हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये सारी इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएंगी। और हम इसे उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये फ्लपी नहीं हो जाती बिल्कुल, इसके अंदर ये पाउडर है जो मिक्स नहीं हो जाता। देखिए व्यूअर्स के मैंने इसको अच्छे से तैयार कर दिया। जब तक ये फ्लपी नहीं हुआ तब तक इसको ऐसे ही, ये देखेंगे ये बिल्कुल तैयार हो चुका है अब लगाने के लिए। ये मेरे दो हैंड के लिए बहुत काफ़ी है। तो आप अगर बनाना चाहें चेहरे के लिए तो फिर वो आपको अपने चेहरे के हिसाब से अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपने पाउडर कम डालना है कि आपके चेहरे पे साइड इफेक्ट ना। और ये पार्लर वाली ब्लीच आपको घर में तैयार करने का मैं तरीका बता रही हूँ। अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। आपने इसको अपने पहले मेरे ये हैंड पहले देख लें और फिर लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे भी हाथ बहुत ख़राब हो चुके हैं, सर्दियों में कोई केयर आपको पता होती नहीं है, तो सोचा आप ब्लीच भी की जाए तो आपके साथ एक डेमो भी पेश किया जाए। तो ये लगा चुके हम, तो ठीक 10 मिनट बाद आपको दोबारा मिलते हैं। ये खुश्क हो जाती है तो 10 मिनट बाद फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। A few moments later. ये देखिए मैं बस आपको सामने ही रिमूव करके दिखा रही हूँ कि ये ना कहें कि कोई हाथों पे कुछ लगा लिया है। तो काफ़ी सारे हाथों, काफ़ी हैंड मेरे जो है ना वो साफ़ हुए हैं काफ़ी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पहले वीडियो में 10 मिनट पहले और 10 मिनट के बाद। और ये घर में ब्लीच आप तैयार करें, आपको बाहर इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं पार्लर में। और ये कैप्सूल आपको ईज़िली किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाएंगे। और ये भी बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल है और ये सारे ही बहुत अच्छे हैं ज़बरदस्त। जो भी आपको मिलें तो आप ये ब्लीच में यूज़ करें और अपने हाथों पे लगाएं। और आपके आपने डेमो तो आपके सामने ही आपने देख लिए, तो कितने ज़बरदस्त हैंड साफ और वॉश हो चुके हैं, पहले से बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं मेरे। तो व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। और चैनल पर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ये मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा अगर हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।